शिवपुरी में कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले बड़ौदी स्थित इंडस्ट्री एरिया में से एक माह पहले तेल की तीन चोरी होने की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद लगातार कोतवाली पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई थी। वहीं कुछ जगह चोरी की वीडियो भी पुलिस को मिली है। टीआई सुनील खेमरिया ने बताया कि आज से लगभग एक माह पहले बड़ौदी स्थित इंडस्ट्री एरिया में से तेल की फैक्ट्री में से तेल के तीन चोरी हुए थे, जिसकी शिकायत फैक्ट्री मालिक को कोतवाली पुलिस को दी थी। कोतवाली पुलिस लगातार चोरों की तलाश में लगी हुई थी। कुछ चोरों के वीडियो भी पुलिस को मिले हैं। वहीं आज कोतवाली पुलिस को मुख्य आरोपी नरेश रावत निवासी 27 नंबर कोठी के पास टोंगरा रोड फतेहपुर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 से 4 खाली ड्रम, 2 ड्रम तेल से भरे हुए जब्त किए हैं। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। उक्त कार्रवाई में टीआई सुनील खेमरिया, एसआई दीपक पालिया, एसआई अमृतलाल प्रधान, आरक्षक नरेश यादव, आरक्षक महेंद्र सिंह, आरक्षक अजीत रावत, चालक गुरमीत सिंह की अहम भूमिका रही। आज से करीब एक महीने पहले बड़ौदी क्षेत्र में एक इंडस्ट्री है जहां पे तेल का काम होता है, वहां से 2-3 लोगों ने मिलकर चोरी करी थी। तेल के टीनों को चुराया था, उसमें हम लोग लगातार लगे हुए थे और उसका वीडियो भी हमें मिल गया था। हमने कल उसको पकड़ लिया है और उससे तेल बरामद कर लिया है। सर, कितना तेल बरामद हुआ है और कितने के आरोपी हैं उसमें? अभी हमारे को उसके खाली ड्रम मिले हैं 3-4 और 2 ड्रम भरे हुए मिले हैं, बाकी उसने कुछ बेच दिए हैं। सर, आरोपी कितने? आरोपी उसमें 3 हैं, 2 अभी नहीं मिल पाए, एक मेन आरोपी मिल गया है।